कोलारस जनपद के झाड़े गांव के करीब दो दर्जन ग्रामीणों ने कोलारस एसडीएम से राशन न मिलने की शिकायत दर्ज कराई है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें राशन की दुकान से 4 महीने से राशन नहीं मिला है। शासकीय उचित मूल्य दुकान के सेल्समैन आनंद यादव ने अप्रैल, मई, जून और जुलाई का राशन नहीं बांटा है। जब ग्रामीणों ने सेल्समैन से राशन की मांग की तो उसने देने से मना कर दिया है। ग्रामीणों ने एसडीएम से शिकायत करके जांच की मांग की। एसडीएम मोतीलाल अहिरवार ने ग्रामीणों की समस्या का निदान करके उन्हें राशन दिलाने का आश्वासन दिया। हम यहाँ पर 25-30 लोग आए हैं, लेकिन समस्या ये कि हमारी कंट्रोल जो गांव पर है, जो खाद्यान्न बढ़ता है, वो माल नहीं बांट रहा। उस माल बांटने में वो कर रहा है, 4-5 महीने से माल नहीं बांटा और 15 रुपये किलो के हिसाब से माल के पैसे दे रहा है एक महीने और बाकी पैसा वो ना दे रहा ना पैसा दे रहा। हमने पैसे नहीं लिए, हम इसकी शिकायत करने आए एसडीएम साहब के पास। एसडीएम साहब से मिले, क्या कहा उन्होंने? कहा कि 8 दिन के भीतर में आपकी सुनवाई की जाएगी और उस पर एफआईआर माल दिया जाएगा, एफआईआर काट ली जाएगी।